पंजाबी और जाट समुदाय पर विवादित बयान देने वाले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने सफाई दी है। विप्लव कुमार ने क्यों मांगी पंजाबी और जाट समुदाय से माफी और क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने पंजाबी और जाट समाज के लोगों के लिए विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब अपने इसी बयान पर विप्लव कुमार ने यूटर्न लेते हुए सफाई पेश की है। सीएम विप्लव कुमार ने सफाई देते हुए कहा कि अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में मैंने अपने पंजाबी और जाट भाइयों के बारे में कुछ लोगों की सोच का जिक्र किया था। मेरी धारणा किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। त्रिपुरा के सीएम ने कहा कि मुझे पंजाबी और जाट दोनों ही समुदायों पर गर्व है। मैं खुद भी काफी समय तक इनके बीच रहा हूँ। मेरे कई अभिन्न मित्र इसी जाट समाज से आते हैं। अगर मेरे बयान से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थी हूं। साथ ही सीएम विप्लव कुमार देव ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में पंजाबी और जाट समुदाय के योगदान को मैं सदैव नमन करता हूं और भारत को आगे बढ़ाने में इन दोनों समुदायों ने जो भूमिका निभाई है उस पर प्रश्न खड़ा करने की भी कभी मैं सोच भी नहीं सकता हूं। दरअसल हाल ही में विप्लव कुमार देव ने एक विवादित बयान दिया था कि अगर हम पंजाब के लोगों की बात करें तो हम कहते हैं कि वह एक पंजाबी है, एक सरदार है। सरदार किसी से नहीं डरता, वे बहुत मजबूत होते हैं लेकिन दिमाग कम होता है। कोई भी उन्हें ताकत से नहीं बल्कि प्यार और स्नेह के साथ जीत सकता है। वहीं दूसरी ओर विप्लव कुमार ने हरियाणा के जाटों के लिए कम बुद्धिमान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। बहरहाल त्रिपुरा के सीएम ने अपने बयानों पर माफी मांग ली है, लेकिन उनके इस बयान के बाद विपक्षी नेताओं ने विप्लव कुमार को घेरना शुरू कर दिया है। त्रिपुरा सीएम विप्लव देव ने मांगी माफी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।